वैसे देखा जाए भोजपुरी इंडस्ट्री में कई सारे अभिनेता और अभिनेत्रियां हैं जिनका फिल्मों के जरिए दर्शकों का भरपूर मनोरंजन होता है। बताना चाहेंगे खेसारी, पवन, निरहुआ, ये तीनों भोजपुरी इंडस्ट्री की जान कहला जाते हैं और ये तीनों बड़े सुपरस्टार भोजपुरी इंडस्ट्री को कई सारी ब्लॉकबस्टर फिल्में भी दे चुके हैं। लेकिन एक बड़ा सवाल भी आता है, आखिर खेसारी, पवन और निरहुआ इन सभी तीनों अभिनेताओं की सबसे बेस्ट जोड़ी किस अभिनेत्री के साथ लगती है? इस बात को लेकर हमेशा से चर्चाएं की जाती हैं कि आखिर खेसारी, पवन, निरहुआ की जोड़ी किस अभिनेत्री के साथ सबसे ज्यादा बेस्ट लगती है, लेकिन इसका जवाब खुद दर्शक ही दे चुके हैं। बताना चाहेंगे खेसारी, पवन और निरहुआ तीनों ही भोजपुरी इंडस्ट्री के सबसे बड़े सुपरस्टार कहला जाते हैं और इन तीनों सुपरस्टारों की फिल्मों का खुमार भी दर्शकों के बीच सर चढ़कर बोलता है। ऐसे में साफ कहा जा सकता है कि खेसारी काजल, पवन अक्षरा और निरहुआ अमरपाली की जोड़ी सबसे ज्यादा बॉक्स ऑफिस पर हिट फिल्में दे चुके हैं। बताना चाहिए खेसारी और काजल की जोड़ी हमेशा से ही बॉक्स ऑफिस पर हिट रही है और अभी हाल ही में बागी फिल्म रिलीज हुई थी खेसारी की और इस फिल्म में खेसारी और काजल की जोड़ी ने धमाल मचा दिया था। साथ ही ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सुपर डुपर हिट साबित हुई थी। वही दूसरे नंबर पवन और अक्षरा की बात करें तो फिलहाल ये जोड़ी टूट चुकी है और पवन सिंह की शादी के बाद से ही अक्षरा और पवन का विवाद चल रहा है। लेकिन पवन और अक्षरा जब एक साथ थे तो इन दोनों की जोड़ी ने बॉक्स ऑफिस पर कई सारी सुपर डुपर हिट फिल्में भी दी थी। पवन और अक्षरा को देखने के लिए दर्शक पागल हो जाते थे और इन दोनों की जोड़ी फिल्मों में धमाल मचाया करती थी। चाहे स्टेज शो या फिर पवन सिंह के साथ अक्षरा सिंह का कोई गाना रिलीज होते ही सुपर डुपर हिट हो जाया करता था। इसी के साथ ही तीसरे नंबर निरहुआ अमरपाली की बात करें तो दोनों की जोड़ी को भी दर्शक काफी ज्यादा पसंद भी करते हैं। निरहुआ के साथ अमरपाली ने कई सारी फिल्में की हैं और उस सभी फिल्में लगभग सुपर डुपर हिट ही रही हैं। निरहुआ और अमरपाली जोड़ी हमेशा से ही बॉक्स ऑफिस पर हिट मानी जाती है। तो दोस्तों ये थे भोजपुरी इंडस्ट्री के तीन बड़े सुपरस्टार जिनकी जोड़ियां इन सभी अभिनेत्रियों के साथ सबसे ज्यादा फिट बैठती है। खेसारी की काजल के साथ बैठती है, पवन अक्षरा के साथ बैठती है, साथ ही निरहुआ की जोड़ी सबसे ज्यादा अमरपाली दुबे के साथ बैठती है। हालांकि इन तीनों बड़े सुपरस्टारों ने अलग हीरोइनों के साथ भी फिल्में की हैं लेकिन उस हिसाब से फैंस उन फिल्मों को ज्यादा पसंद नहीं किए। ऐसे में दोस्तों आपकी इस बारे में क्या राय है और आपके हिसाब से खेसारी, पवन और निरहुआ की जोड़ी किन अभिनेत्रियों के साथ सबसे ज्यादा बेस्ट लगती है? अपना जवाब जरूर दें नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन के जरिए।